हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक सिम्स। कल आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के बीच। कल दो मैच हैं, ठीक है, पाकिस्तान एंड लंका के बीच भी, वो 2 बजे है, बट ये 10:30 होगा सुबह चालू। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रदर्शन मतलब प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अभी कल मैच था न्यूजीलैंड इंग्लैंड का, ठीक है, सॉरी न्यूजीलैंड एंड नीदरलैंड का। तो उस मैच के अंदर बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन था, जैसे रविंद्रा को कप्तान रखना, सेंटनर की 5 विकेटें, और सबने कप्तान लगभग कॉनवे को रखा था, तो वाइस कप्तान हमने कॉनवे को रखा था कि दिक्कत ना हो। बहुत ज़बरदस्त मैच किया मैट हेनरी की, 3 विकेटें, मतलब ऑलमोस्ट बहुत ज़बरदस्त मैच था। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने प्लेयर लिया, सामने वाले ने भी पिक किए थे, ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते लेकिन जीते, ठीक है। और अब क्या है कि ये 2 मैच है, इसमें भी मैं कहूँगा कि ये भी गुड इन्वेस्टमेंट मैच है। कल भी मैंने अपने प्राइम चैनल पर पहले ही बोल दिया था, गुड इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ जाया करो, हाई इन्वेस्टमेंट। तो इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच भी हाई इन्वेस्टमेंट वाला ही है। पिछला मैच इंग्लैंड हार गई थी न्यूजीलैंड से, क्योंकि पहले तो देखो न्यूजीलैंड फॉर्म में है, दूसरी बात इंग्लैंड कैसे हार गई ये मैं भी नहीं जज कर पा रहा, जबकि इंग्लैंड एक मेन टीम है, इंग्लैंड के सारे मेन प्लेयर खेल रहे हैं। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन पे अगर मैं आऊँ तो इंग्लैंड कोई ऐसे वैसे बॉलिंग सेक्शन के साथ नहीं उतरी थी कि वो हार गई इतनी आसानी से और इतने लंबे मार्जिन से। तो इनकी मेन जो गलती थी ये थी कि जैसे इनको, इनके पास देखो मेन, जैसे मार्कवुड कर रहे थे, अब क्रिस वॉक्स मेरे को इतना बेटर तो लगता नहीं बॉलिंग में, आदिल राशिद अच्छे है, अगर आदिल राशिद उस वक्त अच्छा है अगर पिच पे क्रैकर्स हो तो जाकर, मतलब क्रैक्स हो अगर, तो ऐसे तो मतलब मुझे नहीं लगता। बाकी डेविड विले खेल सकता है, टॉपले नहीं खेले तो भी चलेगा, लिविंगस्टन हो गया, मोइन अली से बॉलिंग करानी चाहिए थी, सैम करन, तो मतलब कुछ गलतियाँ पिछले मैच में जो इंग्लैंड को रागी और वो भी न्यूजीलैंड से, तो वो हारना ही था, इंग्लैंड ने लग ही रहा था। तो सबसे पहले बात करें, देखिए यहाँ पे लूँगा जॉस बटलर को। देखिए जॉस बटलर सबसे पहले तो अपनी बैटिंग सेक्शन वही नीचे आएगा, 2-3 डाउन, ठीक है, तो फिर भी 43 रन 42 बॉल्स में बनाना 100 की स्ट्राइक रेट से ठीक है मेरी नज़र में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा ये वीक टीम है, मतलब या वीक हो ही नहीं सकती, बंदे ने भाई साहब सेकेंड लास्ट सीज़न में आईपीएल में इस बंदे ने 4 सेंचुरियाँ मारी थी इंडियन पिचेस पे ही, T20 में। तो ये तो पूरी परखी हुई है इन्होंने इंडिया पिचेस, मतलब जो प्लेयर आईपीएल में खेलता है उसको दिक्कत नहीं आएगी, उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बटलर, अब जॉनी बेयरस्टो पिछले मैच के अंदर इतनी अच्छी शुरुआत, इतनी सुंदर शुरुआत पिछले मैच में, अपनी गलती से आउट हो गया, 33 रन जो बनाए थे वो बहुत अच्छे बनाए थे इस बंदे ने, मतलब बहुत, मैं नहीं कह सकता कि जॉनी बेयरस्टो तो चाहे तो भाई साहब इस मैच में अच्छा प्रदर्शन दे सकता है जब तक स्पिन ना लगे, क्योंकि बांग्लादेश के मेन स्पिनर देखो शाकिब अल हसन है, मोस्ट एक्सपीरियंस एक उनका है मिराज, बस उनसे बचना है इन्होंने, क्योंकि इंग्लैंड है, इंग्लैंड को दिक्कत आती है स्पिन पर। और आगे से अगर बात करें बैटिंग सेक्शन की, बेन स्टॉक्स इंजर्ड चल रहा है, पता नहीं खेलेगा कि नहीं, जे रूट को लेंगे और डेविड मलान जरूर लेना है। मलान को ना, ये कई लोग बोल रहे थे कि मलान पिछले मैच में चला नहीं, आपने कैप्टन ऑप्शन कहा था, ऐसा है मलान को तो मैं आज भी कैप्टन ऑप्शन कह रहा हूँ। ये लो, मेरे पास 4 ऑप्शन है कप्तानी, जिसमें मैं बटलर को चाहूँ रख सकता हूँ, बेयरस्टो को चाहूँ रख सकता हूँ, रूट और मलान। सबसे बेटर ऑप्शन है मलान, सेकंड नंबर पे रूट, सुन लो, मलान कप्तानी ऑप्शन है, मलान पूरी फॉर्म में है, मलान पिछले मैच में अपनी गलती से आउट हो गया, ठीक है, उसमें कोई खास चला भी नहीं तो, बट मलान इज़ ग्रेटेस्ट प्लेयर। उसके बाद शांतो को लेंगे, क्योंकि मैंने लीटन दास नहीं लिया, मनुष्यत का दूसरा नाम लगता है मुझे ये, इसलिए गाइज मैं लीटन दास को नहीं लेता, मतलब मेरे लिए अनलक्की है, जब लूँगा उस दिन जल्दी उड़ना है, उसके बाद अगर ले भी लूँगा तो कोई दिक्कत ही क्रिएट होती है, तो मेरे को ऐसा है कि मैं नहीं जाने वाला उसके साथ। उसके बाद अगला अगर आप कोई प्लेयर लेना चाहते हैं, एक्चुअली मेरे को बांग्लादेश की बैटिंग से एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश की बॉलिंग मुझे अच्छी लगती है, और एक इनका एक्सपीरियंस प्लेयर शाकिब अल हसन, बस मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, शाकिब अल हसन को जरूर लेंगे, क्योंकि पिछले मैच में जो 3 विकेट्स थी वो बहुत अमेजिंग थी, प्लस अफगानिस्तान की विकेट लेना थोड़ा ईजी भी रहता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, तो दिक्कत हो सकता है इसको भी, बाकी एक्सपीरियंस बहुत रखता है खिलाड़ी। और हसन मिराज का फायदा कहां से होने लग गया ना, ये बैटिंग में ऊपर आ रहा है, मान लो ये बंदा अगर विकेट निकाल जाए एक और रन मार जाए 50 तो भी फायदा, कल को 0 पे उड़ जाए और 3 विकेट ले जाए तो भी फायदा, जैसे पिछले मैच में 57 रन भी मारे 3 विकेट्स भी ली, क्यों ली, क्यों 3 विकेट, क्योंकि 10 ओवर ऑलमोस्ट किए थे, 9 ओवर किए थे, और रन क्यों बनाए, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आया था, तो इसलिए ये बहुत फ़ायदा मिल रहा है मेहदी हसन को। उसके बाद लिविंगस्टन का इतना खास काम मुझे नहीं नज़र आ रहा गेम में, अब नीचे आएगा, नीचे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा सकते, कल को हम प्लेयर को लें, उसके बाद समझ लो बैटिंग ना आए तो भी दिक्कत, और अगर बैटिंग आ भी जाए और जल्दी उड़ गया तो दिक्कत, आप बोलोगे वेस्ट हो गया, तो इसलिए मैं राय दूंगा लिविंगस्टन को ना लेने की। मोइन अली की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हाँ, मोइन अली तक बैटिंग बहुत जल्दी आ सकती है, जल्दी नहीं आएगी, मतलब फ़ायदा ये कि इसने 10 ओवर पिछले मैच में किए थे, ठीक है, मोइन अली ने, उसके बाद ये फ़ायदा कहाँ से देगा, अगर इसकी बैटिंग आ गई, मान लीजिए अगर इसकी बैटिंग 30 या 25 ओवर्स तक भी आ जाती है तो भी मोइन अली
अच्छा प्रदर्शन दे सकता है। जैसे इसने पिछले मैच में 16 पॉइंट दिए थे ना, इस 16 को 160 पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा एक ही मैच में, क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी है, मोइन अली की बॉलिंग बहुत अच्छी है। मिडल ओवर्स में विकेट जाएगी ही जाएगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, भले कोई भी बॉलिंग कर रहा हो, कोई भी स्पिनर, कोई भी फास्ट, कोई भी पेसर, कोई भी, ठीक है। उसके बाद सैम करन की अगर मैं बात करूँ तो सैम करन मुझे इतना खास नहीं लगता, हालांकि लोग बोल रहे हैं कि वो मतलब लोगों को बहुत पसंद है, ऐसी बात नहीं है। देखो यार, मिडल ऑर्डर बैटिंग नॉर्मल करता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज खेलता हो, ठीक है, कई बार तेज तो होता ही है, वो तो हर खिलाड़ी होता है। उसके बाद बॉलिंग की बात करूँ तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं लगता इस खिलाड़ी का, इसकी बॉलिंग में मुझे एक्सपीरियंस दिखाई भी नहीं देता ना है, इसलिए मैं आपको बॉलिंग की राय दूंगा। आप ना पहले तो मार्क वुड को लो, स्पीड है भाई साहब, इसका दूसरा नाम ही स्पीड है। उसके बाद मिडल ओवर्स के लिए आप अदिल राशिद को लो, क्योंकि मिडल ओवर आपकी आपको बहुत ज़रूरत है, मिडल ओवर नहीं होंगे तो आप हार जाओगे। और बात रही क्रिस वॉक्स की, तो देखिए शुरुआत में मुझे नहीं लगता कि क्रिस वॉक्स बहुत धपाधप विकेट गिरा पाएगा, और अगर विकेट लेता भी है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर कोई विकेट है तो एक विकेट ले पाएगा ये क्रिस वॉक्स, जहाँ तक मेरा मानना है। अगर डेथ ओवर तक मैच ना गया तो, डेथ ओवर तक मैच गया फिर तो दो तीन विकेटें आ सकती हैं, बट मुझे नहीं लगता डेथ ओवर तक मैच जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड के बाकी बॉलर तब तक खेल कर जाएंगे। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, देखिए तकसीन अहमद और शौरीफुल इस्लाम को मैं दोनों को लेना चाह रहा था, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं अंदर से सोच के आया था कि मैं भले ही मुस्तफिजुर रहमान को ना लूँ, लेकिन मेरे को तकसीन अहमद और शौरीफुल इस्लाम लेना था, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बड़ी जो फॉरेन जो एशिया से बाहर आती है, जैसे यूरोपियन टीम, जैसे अब ये यूरोपियन टीम है इंग्लैंड, जैसे अलग अलग टीम जो फास्ट पिचेस पे खेलते हैं उनके सामने रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो तकसीन तो मैं लूँगा, शौरीफुल को भी मैं लेने की कोशिश करूँगा। मैं किसके बदले लेता हूँ ये मेरे को मैं सुबह सोचूँगा, अभी कहना बेकार है, ठीक है, अभी मैं ज़रूर लूँगा मैं शौरीफुल इस्लाम को, कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मैं किसी तरह भी लूँ, बट थोड़ा टाइम चाहिए मुझे कि किसको निकालना है और लाइनअप्स आने का वेट भी करना है। सबसे पहले देखिए कप्तान की बात करें, देखो यार मोस्ट ओवर टाइम कप्तान हमेशा ओडीआई में ऑलराउंडर रखना चाहिए, क्योंकि जीरो पे उड़े तो विकेट ले जाए, विकेट ना ले तो रन बना जाए, ये होता है असली प्लेयर। और मेन रीज़न ये है कि अगर इंग्लैंड टॉस जीत के बॉलिंग करता है तो इंग्लैंड कोशिश करेगा बांग्लादेश को अंडर 200 उड़ाने की, बट मैच हिमाचल प्रदेश में है जैसे धर्मशाला स्टेडियम, तो थोड़ी वहाँ की पिच लिटिल बिट बैटिंग रहती है अगर कोई अच्छा बैट्समैन खेल रहा हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंग्लैंड अगर टॉस जीते तो भी बैटिंग करे पहले, मेरा ऐसा मानना है। तो देखो मेरा जो मोस्ट ओवर जो कप्तान का ऑप्शन है वो है डेविड मलान, बस मलान को बहुत दिक्कत होती है जो बंदा लेफ्ट साइड से बॉल डाल रहा हो और राइट आर्म पेसर, फिर एज की एज निकलती है पीछे, इसकी बहुत दिक्कत है। डेविड मलान अगर ना अपने मतलब शुरू में मुझे लगता है कि उड़ेगा, कोई तो उड़ेगा, ब्रिस्टो या मलान में से उड़ेगा एक बंदा, बहुत जल्दी उड़ेगा इन दोनों में से, एक बहुत जल्दी उड़ेगा और एक टिकेगा, सुन लो पहले बता रहा हूँ। अब वो कौन उड़ेगा और कौन टिकेगा ये बहुत ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात है। और वाइस कप्तान की बात करूँ तो देखिए वाइस कप्तान ना आपको रखना चाहिए मेरे हिसाब से मिडल ओवर्स के लिए, सच बता रहा हूँ आपको, वाइस कप्तान रखना चाहिए हसन मिराज। अब ये भले किसी को गलत लगे कि भाई तू बांग्लादेश फेवर कर रहा है, बांग्लादेश फेवर की बात नहीं है, डबल साइड है। अब कल पाकिस्तान का जो दो तीन दिन पहले मैच हुआ था नीदरलैंड से, उसमें बिडे लिड को 4 विकेट लेते देखा और आपने रन बनाते देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नीदरलैंड फेवर टीम बना दी, एकाध प्लेयर तो चलता ही हर टीम में भाई, भले वो वीक टीम हो। अब बांग्लादेश का हसन मिराज के बारे में हमें पता है कि हर बॉलर को मार रहा है और हर टीम की विकेटें ले रहा है, तो मेरा तो अंदर से मन था कि मैं मलान को भी ना रखूं, मैं सच बता रहा हूं। इंग्लैंड ज़रूर अच्छी होगी लेकिन इंग्लैंड के इन चारों प्लेयरों में से एक ने खूब चलना है कल के मैच में, पागलों की तरह चलना है, ठीक है। अब वो कौन है मुश्किल है, बाकी मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मलान चलेगा। वाइस कप्तान आप मोइन अली भी रख सकते हो, रूट भी रख सकते हो और हसन मिराज भी। अब आप देख लीजिए, शाकिब का इस्लाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि शाकिब की बैटिंग फॉर्म में नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि कल को एक दो विकेट लेने के बाद बैटिंग में रन ना बनाए। हसन मिराज को इसलिए रखा है क्योंकि उसकी बैटिंग भी फॉर्म में है प्लस बॉलिंग भी, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस टीम के साथ जाऊँगा। बाकी सुबह को चेंज होगा तो बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।